है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होपफुली कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज का जो वीडियो है वो कोई ब्लॉग वीडियो या फिर ट्रेवल वीडियो नहीं है, बल्कि एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जिसमें मैं कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ जो आपके लाइफ के लिए काफ़ी ज़रूरी है। मैं बोलती हूँ आपके खाने से भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस, वीडियो में एंड तक जरूर से बने रहिएगा। अगर आपकी ज़िंदगी के लिए आपके पास महत्वपूर्ण 5 मिनट हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को वॉच कीजिएगा, एंड तक वॉच कीजिएगा, क्योंकि वीडियो में 3 से 4 मिनट की होने वाली है। ठीक है गाइस, जैसे कि यूट्यूब में जब हम खोले तो उसमें ऐसे बहुत सारी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो पेड प्रमोशन करते हैं, यानी कि बहुत सारे एप्लीकेशन का पेड प्रमोशन करते हैं, जैसे कि रमी कोड हो गया, जंगली रमी हो गया, या फिर रमी से रिलेटेड, या फिर जिसमें सट्टेबाजी होती है उससे रिलेटेड पूरी यूट्यूब जो है भरी पड़ी हुई है। ठीक है, ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो हमको बताते हैं कि आप इसमें ऐसा पैसा लगा के ऐसा खेल के जीत सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं, लखपति बन सकते हैं, लेकिन वो उनको तो पेड प्रमोशन का पैसा मिल जाता है। ठीक है, किसी को 80,000, किसी को 90,000, किसी को 1 लाख, किसी को 5 लाख। ठीक है, लेकिन वो ये कभी नहीं बताते कि बहुत से लोग इसमें बर्बाद हो रहे हैं, बहुत से लोगों का पैसा डूब रहा है, बहुत से लोग सुसाइड अटेम्प्ट तक कर रहे हैं कर्जे की वजह से, डूब जा रहे हैं इसकी वजह से, लेकिन सच्चाई वो कभी भी नहीं बताते। ठीक है, तो आप सबको इन सब चीज़ों से दूर रहना है। एक मैं बात बता रही हूँ जो कि पर्सनली मेरे फ्रेंड के साथ घटी हुई है अभी मार्च में, कि उसने, हम लोग दोनों, मेरा फ्रेंड है रायपुर का, नाम नहीं बता सकती, हम दोनों एक साथ काम करते थे पहले, अभी तो मैं नहीं कर रही थी। ठीक है, तो उसका सैलरी ज़्यादा नहीं था, एक मिडिल रेंज में था, मतलब कि 15-18 हज़ार के बीच में था, और वो काफ़ी लंबे समय से पैसा इकट्ठा कर रहा था। ठीक है, तो उसने इकट्ठा करते करते ऑलमोस्ट 2 लाख लगभग करीब कर लिया था जमा, और उसको कुछ और पैसों की ज़रूरत थी। ठीक है, तो उसने ये देखा था यूट्यूब पे कि इसमें ऐसा पैसा लगाते हैं, ऐसा खेलते हैं तो आप तो पैसे विन कर सकते हैं सैलरी। ठीक है, तो वो क्या क्या वो खेला, स्टार्टिंग में तो वो कम कम अमाउंट में खेला, चीज़ जीत रहा था। ये ऐप जो होती है वो भी क्या करती है, स्टार्टिंग में आपको मस्त खिलाती है। ठीक है, खिलाती है, जीतते जाते हैं, आप जीतते जाते हैं, उसके बाद अब उसका अग्रेसिव हो जाता है खेलने के लिए, अरे मैं जीत रहा हूँ, मैं बड़ा अमाउंट जीत सकता हूँ ऐसा। तो वो क्या करती हैं, जैसे ही आप बड़ा अमाउंट लगाएं हार जाएंगे। ठीक है, आप सोचोगे जैसे कि मेरा फ्रेंड सोचा कि ठीक है, हार जीत लगा रहता है, स्टार्टिंग में तो मैं जीता हूँ, कोई बात नहीं, हार गया तो। फिर ऐसा करते करते वो हारा भी और जीता भी, अब उसको लगा कि मैं बहुत ज़्यादा लॉस में जा रहा हूँ करके, तब उसने क्या कि खेलना बंद कर दिया। उसने उसके बाद विड्रॉल लगाया। ठीक है, विड्रॉल लगाया तो उसमें क्या आया कि आपका जो प्रोसेस है वो विद इन 48 घंटे से लेके मतलब 1-2 दिन पेंडिंग पे रहेगा, उसके बाद विड्रॉल हो जाएगा करके। तब उसने अपने जितना पैसा था, ठीक है, 2-3 बार में विड्रॉल करने के लिए कोशिश किया, बट नहीं मिला वो विड्रॉल पैसा, हुआ ही नहीं, और अंत में उसके जो बैलेंस है उसको 0 कर दिया गया कंपनी के द्वारा या फिर ऐप के द्वारा, और उसमें लिखा रहा था कि योर अकाउंट हैज़ बिन ब्लॉक्ड, अगर आपको कोई इंक्वायरी है तो आप कस्टमर सर्विस का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी उसने कॉन्टैक्ट किया, लेकिन वहाँ से भी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। ठीक है, तो इस तरीके से वो बहुत डिप्रेशन में चला गया था। मैं उसकी मम्मी उसे बताई कि मेरा बेटा ऐसा ऐसा कर रहा है, बेटा ऐसा करके, क्योंकि अच्छे उनकी मम्मी के साथ भी मेरा अच्छा कनेक्शन है, क्योंकि वहाँ थी तो मैं अच्छे से बात बात करते थे, खाना वाना तो फैमिली जैसे रिलेशन बन गया था। तो मैंने उसे बात की तो वो नहीं बताया, बहुत ज़्यादा फोर्स करने पे बताया कि मैं इस ऐप में इतना हार गया हूँ ऐसा ऐसा करके, और उसने बताया कि मैं 2 बार सुसाइड अटैम्प्ट कर लिया हूँ। तो प्लीज़ किसी को भी अगर कोई खेल चुके हैं, हार गए हैं, तो प्लीज़ इतने से पैसे के लिए, मानती हूँ कि 1-2 लाख जो मिडिल रेंज के लिए बहुत ज़्यादा पैसा होता है, और सुसाइड अटैम्प्ट ना करें, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सबसे। और जो नहीं खेले हैं मेरे वीडियो, चाहे 100 जन तक जाया जाने के साथ जाए या फिर 50 जन तक जाए, जितने लोग के साथ जा रहा है या जितने व्यूज आ रहे हैं, प्लीज़ वो लोग सतर्क हो जाए कि इन सब चीज़ों में मत पड़िए। ठीक है, जितना कमा रहे उतना ही इनफ है आपके लिए, या फिर दूसरा साइड इनकम ढूंढिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि एकदम शक्ल लगाएंगे जीत जाएंगे पैसा। ठीक है, बिल्कुल भी इसे मत कीजिएगा। ये जो गेम होता है, दरअसल उसने हारा वो रमी गोल्ड था। ठीक है, रमी गोल्ड या जंगली रमी था, मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे, देख लीजिए। इसमें क्या होता है कि एक साइड से आप खेलोगे, दूसरे साइड से अपोजिट में आपके 3-4 प्लेयर होंगे। इसमें एक दो चीज़ आता है, ड्रैगन और टाइगर। ठीक है, दोनों में आपको बैट लगाना रहता है, कितना कितना लगाएंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसमें से ये मतलब कौन सा नंबर में आएगा, कौन सा जीतेगा, इस तरीके का खेल रहता है, मुझे भी इसके बारे में ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मैंने इसमें, और मैंने भी जब यूट्यूब के ऊपर देखा ना, तो इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं। ठीक है, कि बहुत से लोग इसका प्रमोशन कर रहे हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर, मतलब कि जिसको हम लोग बिलीव करते इतना कि बड़े यूट्यूबर कह रहे हैं मतलब सही ही होगा, भगवान मानते हैं, ऐसे ऐसे लोग इसका प्रमोशन कर रहे हैं। इतना भी ये बता रहे हैं कि हमने खेला है। ठीक है, आप पेड प्रमोशन कर रहे हो, लेकिन ये मत बताओ ना कि हम खेले हैं, आप बिल्कुल नहीं खेले रहते हैं इन लोग। ठीक है, प्रमोशन के नाम पैसा कर देते हैं, तो बिल्कुल भी आप इन सब के बातों पर यकीन ना करें। ठीक है, और यूट्यूब से कुछ भी करने से पहले एक बार यूट्यूब में सर्च कर लिया कीजिए कि ये सही है कि नहीं है। अगर मान के चलिए यूट्यूब में हर प्रकार की वीडियो मिलती है, पॉजिटिव भी नहीं मिलती है, नेगेटिव भी रहती है, तो देख लीजिए किसका जो नंबर है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो बस मैं आज की वीडियो में यही कहना चाहूँगी कि एक छोटा सा वीडियो है,
आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो नहीं। लेकिन खेलना बिल्कुल भी नहीं है, प्लीज़ आप जहाँ जो रिक्वेस्ट कर रहे हो कभी भी मत खेलिए इन तरीके से ऐप को, बल्कि इन सबको आप रिपोर्ट मारिए ताकि गवर्नमेंट इसको जो है बैन कर दे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।